बयाना कस्बे के वेयरहाउस रोड स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में आर्य समाज की ओर से चल रहे 8 दिवसीय आदर्श युवा निर्माण शिविर का शनिवार को समापन हुआ। समापन पर कस्बे के बाजारों में होकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आर्य समाज के कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज के लिए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इसी के साथ ही आर्वी दल के युवा शिविर के दौरान सीखे गए शारीरिक कौशल का शौर्य प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में महर्षि दयानंद हवन यज्ञ और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल धर्मशाला से शुरू हुई शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर निकल रही है। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों पर लोग झूम उठे। आर्य समाज के प्रधान आचार्य रविशंकर ने बताया कि आमजन को धर्म और अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करने, अनाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने सहित शारीरिक, चारित्रिक और आत्मिक रूप से बलवान बनने के लिए प्रेरित करने को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान आर्य समाज के पूर्व प्रधान कमल आर्य, आर्य वीर दल के अधिष्ठाता परम सुकार्य, मीडिया प्रभारी प्रदीप आर्य, धर्मेंद्र आर्य, गोविंद आर्य, साहब आर्य, बिरजू, जगदीश सिंघल, दामोदर लाल आर्य, दिनेश आर्य, अंकुश आर्य, देवेश आर्य आदि कई लोग शामिल रहे। आर्य समाज के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा और शौर्य प्रदर्शन यहाँ पर पूरे मार्केट में निकाला जा रहा है, और इसका जो उद्देश्य है कि हमारे जो जन समुदाय है, हमारी जो जनता है, उसको जागृत करने के लिए कि वो धर्म के प्रति जागृत हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत हो और अनाचार को, अन्याय को लड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आत्मिक रूप से वो बलवान हो। इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रख करके ये शौर्य प्रदर्शन और ये यात्रा निकाली जा रही है।